ये आपस्तम्बा धर्म गृह सूत्रास पटाला 7 सेक्शन 20 पेज नंबर 219 पर नंबर 10 ही प्लेसेस हिज कॉस अराउंड द फायर सो दैट द स्मोक ऑफ द सैक्रिफाइस मे रीच देम. नंबर 12 ही शुड परफॉर्म ए सैक्रिफाइस टू क्षत्रपति विदाउट ए फायर इन द पाथ यूज्ड बाय हिज कॉस. इनका अर्थ है दसवा वो अपनी गायों को आग के इर्द गिर्द रखता है ताकि कुर्बानी का धुआं उन्हें पहुंच सके. बारहवें का अर्थ है उसे क्षत्रपति के लिए कुर्बानी करनी चाहिए बिना आग से जिस रास्ते में उसके गाय थे. ये आपस्तम्बा धर्म गृह पे लिखा हुआ है. नंबर 3 ऑन द फॉलोइंग डे ही टचेस ए कॉ विथ ए दर्भा ब्लेड विद द वर्ड्स आई टच दी एग्रीएबल टू द एंसेस्टर्स. नंबर 4 Having silently offered 5 ajya oblations and having cooked the omentum of the cow and performed the spreading under and the sprinkling over of ajya, he oblates the omentum with the next mantra with a palasa leaf from the middle of the end of the stalk. Number 5, he oblates boiled rice together with the meat of the cow with the next verses. Number 11, having left over from the meat of the cow as much as is required. On the day after the astaka, he performs the rite of the anvastaka. तीसरे का अर्थ है अगले दिन वो स्पर्श करेगा गाय को दर्भा की तलवार से इन शब्दों के साथ मैं छूता हूँ तुझे ताकि पितर राजी हो. चौथे का अर्थ 5 अज्या का चढ़ावा खामोशी से पेश करके और गाय के पेट की थैली पकाने के बाद और अज्या के तहत उसे फैलाने और छिड़कने का अमल हो. नंबर 5 का अर्थ वो उबले हुए चावल के साथ गाय के गोश्त का चढ़ावा पेश करेगा अगले मंत्र के साथ. नंबर 11 का अर्थ बचा कुचा गाय का गोश्त जो पास हो जितना जरूरी हो उतना अस्तका के एक दिन बाद वो अनवस्तका की रस्म अंजाम दे. ये आपस्तम्बा धर्म गृह पटाला 3 सेक्शन 7 पेज नंबर 205. नंबर 25 द स्लॉटर ऑफ ए कॉ ऑन द अराइवल ऑफ ए गेस्ट should be performed as stated below without alterations. इसका अर्थ है गाय की कुर्बानी जो मेहमान की आमद पर हो लाजमी है कि वो अमल जो नीचे बयान किया गया बिना कोई तब्दीली से किया जाए. और गरुड़ पुराण में ये बात बताई गई है कि श्राद्ध के मौके पर मुख्तलिफ खानों को मुख्तलिफ सूरतों में खिलाने पिलाने से फौतशुदा बुजुर्ग मुतमईन होते हैं और बरसी या पुण्यतिथि के वक्त अगर ब्राह्मणों को दूध पिलाए तो फौतशुदा बुजुर्ग एक महीने तक पुरसुकून रहते हैं और मछलियों से 2 महीने तक और हिरण के मांस से 3 महीने तक बकरी के गोश्त से 4 महीने तक परिंदों के मांस से 5 महीने तक और बकरे के मांस से 6 महीने तक सांबर के मांस से 7 महीने तक और जंगली गाय या बैल के मांस से 8 महीने तक और बारहसिंगा के मांस से 9 महीने तक और जंगली खिंजीर के मांस से 10 महीने तक और खरगोश के मांस से 11 महीने तक फौतशुदा बुजुर्ग इत्मीनान हासिल करते हैं. और कूर्म पुराण अध्याय 20 में ये बात बताई जा रही है कि कछुए के मांस से 11 महीने तक और गेंडे के मांस से 12 महीने तक फौतशुदा बुजुर्ग खुश रहते हैं. और मत्स्य पुराण 16वें अध्याय में ये बात बताई गई है ईसाल सवाब यानी श्राद्ध के मौके पर मछली और हिरण का मांस मेहमानों के खिलाने की वजह से मुतवफ़ी बुजुर्ग यानी पितर बेशुमार वर्षों तक मुतमईन रहते हैं. अग्नि पुराण के 30 से 32 श्लोकों तक गरुड़ पुराण और कूर्म पुराण की तरह ही बयान किया गया है मगर थोड़े से फ़र्क के साथ. जैसा कि जो शख्स गया जाकर वहां ईसाल सवाब में गेंडे का गोश्त ब्राह्मणों को खिलाएगा इस शख्स के पितर बेहिसाब सालों तक शांत रहते हैं. वायु पुराण के 21वें अध्याय में मत्स्य पुराण ही की तरह बतलाया गया है मगर वहाँ मजीद यूँ आया है ईसाल सवाब के मौक़ों पर मेहमानों को गेंडे का गोश्त खिलाने से 12 साल और जंगली हिरन काला बकरा और गाय के गोश्त से भी मुतवफ़ी बुजुर्ग बेहिसाब सालों तक मुतमईन रहते हैं. और विष्णु पुराण में 16वें अध्याय में ये बात बताई गई है कि गेंडे का गोश्त मेहमान को खिलाने से पितर मुतमईन रहते हैं. और मार्कंडेय पुराण 32वें अध्याय में ये बात हमको मिलती है कि ईसाल सवाब के दिनों में लांबे लांबे सींगों वाले गेंडे का गोश्त ब्राह्मणों को खिलाने से पितर
सूर्य चंद्र जब तक रहेंगे तब तक संतुष्ट रहते हैं। इसके अतिरिक्त हम प्राचीन काल के अवतार ऋषि मुनियों के जीवन चरित्र से भी ये बात जान सकते हैं। जैसे शिवपुराण अध्याय 63 में है कि गार्गे ऋषि और इनके शिष्यों ने श्राद्ध के समय गाय जुबा करके खा चुके हैं। यही विषय मत्स्य पुराण के 20वें अध्याय में भी दर्ज है। और शांति पर्व महाभारत अध्याय 29 में ये बात बताई जा रही है, रोष्य सरंग देवराज ने एक दिन बेहिसाब जानवरों को कुर्बान करवाया। इनके खून से शहर की नालियों में लाल पानी लबालब बहता रहा। और ब्रह्मादिवर्त पुराण में इस तरह लिखा हुआ है कि मनु मुनि स्वामी ने दरियाए नर्मदा के किनारे हजारों जानवरों को कुर्बान करवाया। इनमें 5 लाख गाय थी। कुर्बान करके 3 करोड़ आदमियों को भोजन करवाया। और महाभारत वन पर्व के अध्याय नंबर 207 में ये बात बताई जा रही है कि महाराजा वदंती के बावर्ची खाने में हर रोज 2000 बैल और 2000 गायें कुर्बान की जाती थी। और वाल्मीकि पुराण अयोध्या खांड में ये बात का वर्णन है कि सीता जी राम जी के साथ वनवास के लिए दक्षिण रवाना हुई। उस वक्त गंगा के किनारे आकर उन्होंने कहा कि अय गंगा, इस वनवास से जब हम दोबारा वापस होंगे तो 1000 गायों को जुबा करके तेरे किनारे दावत करूंगी। और यजुर्वेद के 24वें अध्याय के नोट में भी ये बात नज़र आती है और प्राचीन काल के पुराणों से भी। अलावा इसके वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र आदि ऋषियों से भी ये चीज़ अमलन साबित है। इसके लिए ज़माने हाल के बड़े बड़े लोगों के अखबार भी हैं, जैसे पेपर केसरी पत्र जो पूना से निकलता है, तारीख 13 दिसंबर 1904 में ये बात बताई गई है कि बड़ौदा कॉन्फ्रेंस में लोकमान्य तिलक ने यूं कहा है कि 2000 साल पहले हिंदू अपने धर्म के अनुसार जानवरों को जुबा करके गोश्त खाया करते थे। इनके खून से नदियों का पानी लाल बहता था। और स्मृतिवर्थ प्रभाकर, प्रकाश्य, सरस्वती भंडार, काशी जो पेज नंबर 57 पर, पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने कहा है कि कौन कहता है कि यज्ञ में जानवरों की कुर्बानी और गोश्तखोरी नहीं है, इसीलिए जैन और बुद्धि सनातनियों से अलग हो गए। और उत्तराम चरित्र में ये बात बताई गई है कि वाल्मीकि ऋषि ने जब वशिष्ठ मुनि की दावत की तो 2 बैल जुबा किए। हिंदुस्तान के इतिहास को जानने वाले कई स्कॉलर्स ने ये प्रूफ किया है कि भारत के प्राचीन काल में मांस भक्षण करने का रिवाज बहुत था, मगर जिस काल से बुद्धि और जैनियों का दौर शुरू हुआ, अहिंसो परमो धर्मः के नारे ने वैदिक संस्कृति रखने वालों को अपने धर्म शास्त्रों में मांस भक्षण के माने बदलने पर मजबूर कर दिया। धार्मिक आस्था और खाने की आज़ादी के बीच चल रही इस बहस का इतिहास काफी पुराना है। अधिकांश हिंदू गाय और बैल को पूजनीय मानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुओं में हमेशा ही गाय और बैल को पूजनीय माना जाता रहा है? और सवाल ये भी उठता है कि क्या हिंदुओं में कभी भी गोमांस खाने का रिवाज नहीं था? लेकिन द मिथ ऑफ होली काउ नाम की किताब लिखने वाले इतिहासकार DN झा के मुताबिक ये धारणा बिल्कुल गलत है कि हिंदू कभी गोमांस नहीं खाते थे। उनके मुताबिक वैदिक काल में न सिर्फ गाय और बैल की बलि दी जाती थी बल्कि खास मौकों पर गौमांस खाया भी जाता था। वैदिक काल में खाते थे, जैसे कोई यज्ञ होता था राष्ट्रीय अश्वमेध, इन सब यज्ञों में भी गाय को मारा जाता था। वैसे उसके बाद और भी जो धर्मशास्त्रों में इसका जिक्र है कि लोग मेहमान आते थे, बड़े बड़े जो बहुत प्रतिष्ठित मेहमान आते थे, जैसे घर का दामाद हुआ या समधि हुआ या राजा हुआ, इस तरह के लोग जो आते थे तो उनके लिए गाय मारा जाता था, उसको मधुपर्क कहते हैं। और ये इसकी चर्चा कई धर्मशास्त्रों में है, धर्म ग्रंथों में, जैसे मनुस्मृति में तो कम है लेकिन याज्ञवल्क्य में है। लेकिन भारत के संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब अछूत कौन थे और वो अछूत क्यों बने में एक निबंध लिखा, क्या हिंदुओं ने कभी गौमांस नहीं खाया। इस निबंध के मुताबिक
वेदों में गाय को पवित्र जरूर कहा गया है, लेकिन साथ ही गाय की बलि और गौमांस खाने के प्रमाण भी मौजूद हैं।